नमस्कार स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पावर थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर कैसे फ्लो करेगा, उस केस में हमारे अपेरेंट पावर, रियल पावर और रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या रहेगी वो फाइंड करेंगे। ठीक है, सो विद दिस वी आर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर यू कैन सी consider a single line diagram or of a three phase transmission line with we can see a two bus system is given, bus number 1 and bus number 2. यहाँ पर वोल्टेज है VR at an angle 0. So receiving end voltage we are taking VR as a reference phasor. इस phasor को हम reference लेंगे. So उसके हिसाब से sending end voltage की वैल्यू क्या रहेगी, लेट्स से इट इज Vs एट एन एंगल डेल्टा, वेयर डेल्टा इज वी कैन से द फेज एंगल बिटवीन सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड द रिसीविंग एंड वोल्टेज। ओके, सो दिस इज वी आर एट एन एंगल जीरो, दिस इज वी एस एट एन एंगल डेल्टा। यहां पर हमारा जनरेटर है, यहां पर लोड कनेक्ट किया हुआ है, सेंडिंग एंड पावर है हमारा पी एस प्लस जे क्यू एस और रिसीविंग एंड पावर है पी आर प्लस जे क्यू आर। यहां पर ट्रांसमिशन लाइन का एबीसीडी पैरामीटर की वैल्यू है ए बी सी डी। यहां पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन केस में हमारे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर की वैल्यू है वो चेंज होगी। ठीक है, सो लेट्स से हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके पैरामीटर और उसके जनरलाइज कांस्टेंट ए की वैल्यू लेट से है मॉड ए, ये कोई मैग्नीट्यूड है ए का, और लेट से एट एन एंगल अल्फा। सेम वे वैल्यू ऑफ बी इज मॉड बी एट एन एंगल बीटा, सी इज इक्वल टू मॉड सी एट एन एंगल गामा और डी की वैल्यू है मॉड डी एट एन एंगल डेल्टा। ठीक है, ये हमारे एबीसीडी पैरामीटर की वैल्यू है। सेम वे हमारा जो कॉम्प्लेक्स पावर है और अपेरेंट पावर है एट रिसीविंग एंड पी आर इज नथिंग बट सॉरी इट इज एस आर, कॉम्प्लेक्स पावर एस आर इज इक्वल टू पी आर प्लस जी क्यू आर। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी आर मल्टीप्लाई बाई आई आर कॉन्जुगेट। ठीक है, सो यहां पर वी आर क्या है हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज और आई आर क्या है इट इज द रिसीविंग एंड करंट। सो वी हैव टू फाइंड वी आर। सो अगर हमें कॉम्प्लेक्स पावर एस आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ रिसीविंग एंड करंट आई आर। अब हमें यह पता है, सो वी नो दैट अवर सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस कैन बी रिटन एज ए वी आर प्लस बी आई आर। ठीक है, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज का इक्वेशन हमें पता है, इसके ऊपर से हमें आई आर की वैल्यू निकालनी हो, सिर्फ आई आर की वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज नथिंग बट वी एस माइनस ए वी आर डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, सो आई आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, वी एस माइनस ए वी आर डिवाइडेड बाई बी। अब ये सब वैक्टर है तो वी एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी एस एट एन एंगल डेल्टा, ओके, माइनस ए की वैल्यू है मोड ए एट एन एंगल अल्फा, वी आर की वैल्यू है वी आर एट एन एंगल जीरो, वी आर टेकिंग वी आर एज अ रेफरेंस। सो यहां पे मैं लिख दू एजम्पशन, क्या एजम्पशन है हमारा, वी आर हम एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, दैट इज वाई वी एस की वैल्यू क्या रहेगी, वी एस एट एन एंगल डेल्टा। सो देयर इज अ फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वी आर एंड वी एस इज डेल्टा डिवाइडेड बाय बी, दैट इज नथिंग बट मॉड बी एट एन एंगल बीटा। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सो आई आर की वैल्यू मिलेगी, अब इसको दोनों के डिनोमिनेटर में देते हैं तो क्या रहेगा, वी एस डिवाइडेड बाय मॉड बी, एंगल क्या रहेगा, डेल्टा डिवाइडेड बाय बीटा, सो रहेगा डेल्टा माइनस बीटा। ठीक है, माइनस ए वी आर दैट इज ए इंटू वी आर डिवाइडेड बाय मॉड बी और एंगल क्या रहेगा, अल्फा प्लस जीरो दैट विल बी अल्फा ओनली, सो ये रहेगा हमारा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या हमें फाइंड करनी है, यहां पर हमें चाहिए आई आर कॉन्जुगेट, हमारे पास है सिर्फ आई आर, सो कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे हम, सो आई आर कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, तो ये हमें मिलेगी, ये वाला जो टर्म है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस वन से, ये वाला टर्म है जो एंगल है उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मिलेगा हमें वी एस डिवाइडेड बाई कैपिटल बी, दैट इज नॉट बीटा बट कैपिटल बी, बीटा माइनस डेल्टा आएगा अब ए वी आर डिवाइडेड बाय मॉड बी, आई होप यू कैन सी बीटा माइनस अल्फा। ओके, सो लेट्स से
दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन. ओके, आई थिंक यहां पर आप सबको समझ में आ गया है कि हम कॉम्प्लेक्स एस आर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो हमें वी आर और आई आर कॉन्जुगेट की वैल्यू चाहिए. तो आई आर की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, तो हमने आई आर की वैल्यू फाइंड की सबसे पहले, देन वी हैव टेकन आई आर कॉन्जुगेट, तो हमें आई आर कॉन्जुगेट की वैल्यू मिल गई. ठीक है, अब ये आई आर कॉन्जुगेट की वैल्यू है, ये हम यहां पर इस इक्वेशन पे रख देते हैं. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. सो इक्वेशन नंबर प्लेस द नंबर वैल्यू ऑफ आई आर कॉन्जुगेट इन टू इक्वेशन नंबर वन, देन वी कैन राइट द एस आर. ओके, सो हम इसे लिखते हैं. ओके, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो एस आर की वैल्यू, तो कॉम्प्लेक्स पावर है उसको हम लिख सकते हैं वी आर इंटू आई आर कॉन्जुगेट. ओके, सो वी आर एज इट इज, आई आर कॉन्जुगेट की वैल्यू हमें क्या मिली थी, वो ये थी. सो इस क्वेश्चन में देख के मैं रख रहा हूं, ये होगी हमारी वी एस डिवाइडेड बाई मॉड बी बीटा माइनस डेल्टा माइनस मॉड ए वी आर बी बीटा माइनस अल्फा. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो वी एस, ये भी हमारा एंगल है, सॉरी ये भी मोड में आएगा, यहाँ पे भी. सो मोड वी एस, यहाँ पे भी मोड वी एस, यहाँ पहले से ही मोड वी एस लिखना होगा. ठीक है, अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, हमारा रहेगा वी एस मल्टीप्लाई बाई वी आर डिवाइडेड बाई बी एट एन एंगल बीटा माइनस डेल्टा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ए वी एस बी आर डिवाइडेड बाई बी एट एन एंगल बीटा माइनस अल्फा. ठीक है, अब वी कैन सेपरेट योर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन, बिकॉज वी नो एस आर, योर कॉम्प्लेक्स पावर एस आर इज नथिंग बट पी आर प्लस जे क्यू आर. सो इसका जो रियल पार्ट रहेगा वो हमें देगा हमारा एक्टिव पावर, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमें देगा हमारा रिएक्टिव पावर. सो इसके ऊपर से मैं, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स पावर, तो इसके ऊपर से अगर मैं उसका रियल पार्ट निकालू, सो रियल पार्ट में क्या रहेगा, ये वाला होगा वो कोसाइन टर्म होगा, इमेजिनरी पार्ट में क्या करेंगे, ये हमारा साइन टर्म होगा. तो इसमें से हम एक्टिव पावर निकाले, दैट विल बी अवर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर, दैट इज नथिंग बट अवर एक्टिव और ट्रू पावर. ओके, वो क्या होगा हमारा एक्टिव पावर, और वी कैन से ट्रू पावर. सो पी आर की वैल्यू रहेगी हमारी वी एस वी आर डिवाइडेड बाय बी कॉस ऑफ बीटा माइनस डेल्टा माइनस ए वी एस वी आर डिवाइडेड बाय बी कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा. सेम वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर, दैट इज नथिंग बट वी एस वी आर डिवाइडेड बाय बी साइन बीटा माइनस डेल्टा माइनस ए वी एस वी आर डिवाइडेड बाय बी साइन बीटा माइनस अल्फा. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर टू. ओके, बोथ ऑफ दिस. सो ये मिल गया हमारा एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का इक्वेशन. नाउ फॉर द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ योर सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज, एंड जनरली योर वैल्यू ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज इज फिक्स्ड. ओके, द वैल्यू ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इज चेंजिंग, बट वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज ऑल्सो फिक्स्ड, बिकॉज जनरली द वैल्यू ऑफ वी आर इज चेंजिंग, बट द चेंज विल बी वेरी स्मॉल, दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग दैट वी एस एंड वी आर फिक्स्ड वैल्यू. सो इन दैट केस वी कैन से द पावर रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंड, लेट से वेन दिस वैल्यू ऑफ पावर विल बी मैक्सिमम. सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड पी आर इज मैक्सिमम. ओके, सो एक्टिव पावर पी आर की वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगी, सो आप इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वाला नेगेटिव पार्ट है, तो ये इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी ये वाला पार्ट वो हमें मिलेगा. ठीक है, सो पी आर की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा और इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो ये वाली टर्म मैक्सिमम कब होगी, वी एस की वैल्यू फिक्स है, वी आर की वैल्यू फिक्स है, ये बीटा क्या रहेगा, बीटा ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर पे डिपेंड रहेगा, हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें बीटा हमारा कौन सा रहेगा, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है. ठीक है, सो पी आर की वैल्यू डिपेंड है ये कॉस बीटा माइनस डेल्टा पे, सो इसको अगर मैक्सिमम होना है तो ये कॉस बीटा माइनस डेल्टा वाली टर्म को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा. सो कॉस वाली टर्म मैक्सिमम कब रहेगी, जब कॉस ऑफ दिस टर्म इसकी वैल्यू वन मिलेगी, तो इसकी वैल्यू वन कब मिलेगी, कॉस वन कब मिलेगा,
the cos of 0 will be 1. So when beta minus delta is equal to 0, we can say this active power or true power will be maximum. So beta minus delta is equal to 0, that is nothing but जब beta is equal to delta रहेगा इन केस में हम मिलेगा हमारा एक्टिव पावर की मैक्सिमम वैल्यू. सो वी कैन राइट पी आर मैक्स, पुट बीटा इज इक्वल टू डेल्टा इन दिस इक्वेशन, सो दिस विल बी वन ओनली, दैट इज वी एस वी आर डिवाइडेड बाय बीटा माइनस ए, ठीक है, वी एस, सॉरी यहां पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहां पर वी आर इंटू वी आर आ जाएगा वी आर स्क्वायर, यहां पे भी आ जाएगा वी आर स्क्वायर, यहां पे भी आ जाएगा वी आर स्क्वायर, नॉट वी एस, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी आर को वी आर से, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी साइन बीटा माइनस अल्फा. ओके, सेम वे हमारा रिएक्टिव पावर का इक्वेशन क्या रहेगा, दैट इज साइन बीटा माइनस अल्फा. यहां पर आप बीटा इज इक्वल टू डेल्टा रखोगे तो साइन जीरो की वैल्यू क्या रहेगी, वो रहेगी जीरो. सो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो यहां पे हमें मिलेगा मोड ए बाय बी वी आर स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा. लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब जनरली ट्रांसमिशन लाइन का यहां पर हमें मैक्सिमम पावर निकालना है, तो इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है वी एस वी आर बी पे, ठीक है, और एंगल बीटा एंड अल्फा पे. बीटा एंड एंगल अल्फा इज नथिंग बट योर एंगल ऑफ योर ए एंड बी, एंड ए एंड बी इज नथिंग बट योर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर. जनरली ट्रांसमिशन लाइन में क्या रहता है कि इन ट्रांसमिशन लाइन योर वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर एंड डी पैरामीटर इज 1 एट एन एंगल 0. अब एंगल की बात करें, वेक्टर की बात करें, तो वो वैल्यू जनरली रहेगी ए इज इक्वल टू डी एट एन एंगल 0. और बी की बात करो तो बी की जनरली वैल्यू रहती है वो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जितना इंपेडेंस रहता है उसकी जितनी एट एन एंगल 0, ठीक है. सो ये ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू जेड, अगर हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिल रहा है वो कुछ ऐसा रहेगा. सो पी आर इज इक्वल टू वी एस वी आर डिवाइडेड बाय जेड. ओके, इसको सामने रखिए, वी एस वी आर डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू जेड माइनस ए की जगह पे रखेंगे 1 और बी की जगह पे जेड. सो ये रहेगा हमारा, और यहां पर रहेगा कॉस. अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास एंगल है बीटा माइनस डेल्टा, ठीक है. अब यहां पर हमने जीरो रख दिया है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे, अब सिर्फ एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की बात करें, तो ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू जेड हम इस वाले इक्वेशन में यहां पर रखेंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा, इसको बी को जेड से रिप्रेजेंट करो, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो जनरली वैल्यू ऑफ अल्फा दैट इज द एंगल ऑफ ए, ओके, और डेल्टा इज द एंगल ऑफ डी, इसकी वैल्यू है 0. सो वी आर पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 0, एट द सेम टाइम बी क्या है हमारा जेड एट एन एंगल 0, और ये वाला एंगल है वो डिपेंड करेगा कि हमारे इंपेडेंस की वैल्यू कितनी है. लेट्स से दिस इज नॉट 0, दिस इज थीटा. ओके, सो वी आर राइटिंग बीटा इज इक्वल टू थीटा. सो वी आर पुटिंग ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू, सॉरी बी इज इक्वल टू जेड एट एन एंगल थीटा इन टू इक्वेशन नंबर 2, एंड इफ यू डू सो यू विल गेट वी एस वी आर बाय जेड कॉस ऑफ थीटा माइनस, वी आर पुटिंग बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस डेल्टा माइनस ऑफ, here you can see a is equal to 1, so vr square divided by z cos of beta minus alpha, alpha is 0, that is why beta is equal to theta, so it is cos theta only. Same way we can write for qr, here it is, so that will be vs vr divided by z sin of theta minus delta minus vr square divided by z sin theta. Let's set this equation number. ओके, आई होप यू गेट इट. नाउ जनरली द वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंस, सो जेड इज नथिंग बट जेड वी कैन राइट आर प्लस जे एक्सएल, जेड को हम लिख सकते हैं आर प्लस जे एक्सएल. ओके, बट इन ट्रांसमिशन लाइन द वैल्यू ऑफ आर इज वेरी मच लेस देन एक्सएल, सो वी कैन राइट जेड इज इक्वल टू एक्सएल, ठीक है, और ऑल्सो जनरली वी कैन राइट एक्स ओनली. Okay, that is nothing but transmission line reactance. So if you put this value of Z into this equation, you can write your PR and QR. Now
when there is only a reactance part in this equation, the value of theta will be 90, because this is inductive reactance. So your current will be, or we can say lagging voltage by 90 degree. Okay, so in that case theta will be 90 degree. So we can write, if you put theta is equal to 90 degree in this equation and z is equal to x, this is Vs Vr divided by z is equal to x cos 90 minus theta is nothing but sine theta, minus Vr square divided by z cos of 90. Cos of 90 is nothing but 0 only, so we don't have to write this. So we can write directly Pr is equal to Vs Vr x sine delta. This is equation of your active power that depends on sending end voltage, receiving end voltage, reactance, and your voltage difference between, phase angle difference between sending end voltage and the, this is delta. यहाँ पर ये हमारा रेफरेंस है, दैट इज वाई द एंगल बिटवीन द सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड द रिसीविंग एंड वोल्टेज, दैट इज डेल्टा. सो हमारे रिएक्टिव सॉरी एक्टिव पावर की वैल्यू किस पे डिपेंड रहेंगी, इन तीन चीज पे. ठीक है, ये जनरली फिक्स रहता है. तो ट्रांसमिशन लाइन का अगर रिएक्टेंस की वैल्यू और इम्पिडेंस की वैल्यू हाई है, तो उस केस में हमारा पावर क्या रहेगा, लो रहेगा, क्योंकि पावर लॉस ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा रहेंगे. सो अगर एक्टिव पावर की वैल्यू हमें ज्यादा चाहिए, तो हमारे सेंडिंग एंड पावर और रिसीविंग एंड पावर वोल्टेज की वैल्यू, सो वी कैन से पीआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीएस एंड वीआर, पीआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एक्स, और पीआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा. ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है, कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको इन चीज से बात करनी होगी कि हमारा एक्टिव पावर है और रियल पावर है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, सेम हम रिएक्टिव वैल्यू की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इसको z इज इक्वल टू एक्स यहां पर रखिए और थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे तो हमें मिलेगी क्यू आर इज इक्वल टू वी एस वी आर डिवाइडेड बाई एक्स. यहां पर आएगा कॉस डेल्टा, दैट इज नथिंग बट साइन 90 माइनस डेल्टा इज कॉस डेल्टा, माइनस वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स. ओके, वेर डेल्टा इज नथिंग बट योर पावर एंगल. ओके, and it is the value of delta is usually very small, so we can write your cos delta is generally is equal to 1. So we can write your qr is nothing but vs into vr divided by x minus vr square divided by x only. So this will be your equation of reactive power. So here you can see how your value of reactive power and active power will going to change with respect to your Vs, Vr and X and delta. Okay, so whenever we are having a transmission line and we are interested to find out the value of your power flow in a transmission line, so active and reactive power flow will depends on this factor. So you have to consider while finding the value of PR and QR. Okay, so I hope you get it. This the step-by-step process of finding the value of PR and QR is a little bit lengthy, but at the same time it is very easy. Go through it. If you find any difficulty, you can contact me anytime. So with this, we are closing today's lecture. When we meet in next lecture, we will understand the circle diagram of your when power is going to flow in a transmission line. So circle diagram of your active and reactive power, and also the compensation in a transmission line. Thank you so much.